वैशाली के राघोपुर प्रखंड में शनिवार की रात बड़ा हादसा हो गया। यहां पर रात में गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे तकरीबन 3 दर्जन यात्री झुलस गए और 15 से 20 लोग अभी भी लापता हैं। हादसे में झुलसे यात्रियों को पटना के फतुहा प्रखंड के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर सभी का इलाज चल रहा है। बता दें कि इस हादसे में पटना प्रशासन की लापरवाही का मामला भी सामने आया है। आज तक में लिखी गई एक खबर की माने तो घायलों ने घटना की पूरी कहानी बताई है। दरअसल वैशाली जिले के राघोपुर निवासी वीरेंद्र दास पटना में मजदूरी करते हैं। वीरेंद्र भी उसी नाव में सवार थे जो गंगा नदी में हादसे का शिकार हुई। इस घटना में वीरेंद्र दास बुरी तरह से झुलस गए और उनके शरीर पर कई जगह जलने के निशान हैं। वीरेंद्र के सिर पर भी गंभीर चोटें आई हैं। वीरेंद्र दास ने बताया कि रोज की तरह वो शनिवार की रात 8 बजे पटना के कच्ची दरगाह इलाके से खुलने वाली नाव पर सवार होकर राघोपुर अपने गाँव जाते थे। वीरेंद्र दास ने आगे बताया कि जब नाव गंगा के बीच में पहुंची तो नदी में बढ़े जल स्तर के कारण नाव की पतवार हाई टेंशन तार से टकरा गई, जिसके कारण नाव में सवार काफी लोग घायल हो गए। नाव में 100 से 150 लोग सवार थे। इस घटना में जख्मी हुए रुदल दास ने भी हादसे के पल को याद करते हुए बताया कि गंगा में पानी की धारा बहुत तेज थी, इस वजह से नाव की पतवार हाई टेंशन तार से टकरा गई। उधर राघोपुर नाव हादसे के बाद लापता लोगों के संबंध में पुख्ता जानकारी वैशाली या पटना जिला प्रशासन के पास नहीं है। प्रशासन को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि नाव पर कुल कितने लोग सवार थे। पटना सिटी के SDO मुकेश रंजन ने इस बारे में कहा कि घटना के बाद हमने कुल 38 लोगों से संपर्क किया जो उस नाव में सवार थे। इसमें कुछ घायल हुए थे और कुछ सुरक्षित थे। मुकेश रंजन ने आगे बताया कि जो लोग नाव में सवार थे उनकी तरफ से कुछ जानकारी मिल रही है, लेकिन कोई सही तरह से जानकारी नहीं दे पा रहा है कि नाव में कितने लोग सवार थे। SDO ने कहा कि हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश NDRF कर रही है। इधर पूरे मामले पर पटना प्रशासन की लापरवाही भी साफ तौर पर उजागर हो रही है कि आखिर आदेश के बावजूद शाम 5 बजे के बाद गंगा में नाव का परिचालन कैसे किया जा रहा है। बाकी इस घटना पर आप किसे जिम्मेवार मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार सहित देश दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।